CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला बंजारन। प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बंजारन ने जुलाहे और रंगरेज के बारे में जानकारी दी है। आलेख विभा देव सरे का है, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। जय हिंद। चलो दोस्तों, बंजारन आ रही है तुमसे बातचीत करने। आओ बंजारन। हाँ तो बच्चों, जोर से ताली बजाओ। शाबाश। अब देखो दोस्तों, आज ये बंजारन नए नए और अच्छे अच्छे चटकीले रंग के कपड़े पहनकर आई है। भाई वाह बंजारन, आज तो तुमने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हैं। क्या बात है, बिल्कुल नए कपड़े हैं, आज ही खरीदे हैं क्या? अरे भाई पोपटलाल, तुम्हारे कपड़े भी तो बिल्कुल नए और बहुत चटकीले रंगों में रंगे हुए हैं। गुलाबी रंग की ये पगड़ी, नीले रंग की ये कमीज और छक सफेद पैजामा। तुम इतने अच्छे कपड़ों को पहन तो लेते हो, पर पता है ये कपड़े कैसे तैयार होते हैं? अरे मुझे क्या मतलब इन बातों से, मैं तो बस पहन लेता हूँ। पोपटलाल, बड़ी मेहनत से ये कपड़े बनते हैं, समझे तुम? सो कैसे बंजारन? ओफो, इतना भी नहीं जानते? अरे भाई, किसान पहले कपास यानी रुई की खेती करता है। अब जब रुई पैदा हो जाती है तो उसका सूत काटा जाता है, फिर उसी सूत को करघे पर चढ़ाकर जुलाहा कपड़े बुनता है। यानी जुलाहा सूत भी काटता है और कपड़े भी बुनता है। इस तरह जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो उन कपड़ों को रंगरेज, लाल, गुलाबी, पीले, नीले, काले, तरह तरह के रंगों में रंगता है। अच्छा बंजारन, तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम कि जुलाहा सूत काटता है और कपड़े बुनता है और रंगरेज उन कपड़ों को रंगता है? अरे भाई पोपटलाल, मैंने अपने कपड़े जुम्मन जुलाहे से खरीदे थे और फिर रंगरेज के यहाँ जाकर इन कपड़ों को रंगवाया। अरे वो ही जो अपने पड़ोस में रहमत रंगरेज है ना, उसी से रंगवाए थे। अब देखो दोस्तों, दिन भर घूमती रहती है ये बंजारन, कभी जुम्मन जुलाहे के यहाँ तो कभी रहमत रंगरेज के यहाँ। अरे 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 पोपटलाल, अरे रहने भी दो जी, अगर मैं घूमू नहीं तो इन सब बातों का पता कैसे चले? अब मैं इनके यहाँ गई तो मैंने उनके काम को देखा, समझा, तभी तो मैं इतनी बातें तुम्हें बता सकी। तुम तो बस यहाँ से जाने के बाद सो जाते हो या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो। अच्छा भाई अच्छा, गुस्सा मत करो, नाक भौं ना सिकोड़ो, काम की बात बताओ। अच्छा तो मैं नाक भौं सिकोड़ रही हूँ? और क्या, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो तुम नाक भौं सिकोड़ लेती हो, मुंह फुला लेती हो। पर अब ये बताओ कि
कि रहमत रंगरेज के यहां जब तुम गईं तो तुमने वहां क्या देखा? अरे तुम सुनो भी, तभी तो बताऊं कुछ काम की बात। हां तो बच्चों, जब मैं रहमत रंगरेज के यहां गई तो मैंने रस्सियों पर ढेर सारे रंग बिरंगे कपड़े सूखते हुए देखे। उनमें साड़ियां, साफे, पगड़ियां, लहंगे और चुनरियां, लाल, नीले, पीले, हरे, गुलाबी और तरह-तरह के रंगों में रंगे हुए सूख रहे थे। पास ही में कई रंगों से भरे बड़े-बड़े बर्तन रखे थे और भट्टी पर एक बर्तन में रंग गरम हो रहा था। रहमत मियां रंग वाले बर्तन में कपड़ों को डुबोते और सुखा देते। भाई बच्चों, मैंने भी अपनी चुनरी रहमत रंगरेज को रंगने के लिए दी थी। वो अभी थोड़ी गीली थी, मैं वहीं पर बैठ गई होगी और उस रंगरेज से गप्पे मारने लगी होगी। देखो देखो पोपटलाल, मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती। कान खोलकर सुन लो तुम, मैं गप नहीं मारती। हां मैं तो उससे अपनी चुनरी लेने गई थी, वो गीली थी, सो मैं वहीं बैठ गई। चुनरी सूखती रही और वो मुझसे कुछ बातें करता रहा। तो तुम्हारी उससे क्या बातचीत हुई? भाई बंजारन, दोस्तों को ये तो बताओ। अरे बच्चों, रहमत रंगरेज ने मुझे एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाई। हां सुनोगे सब? अगर सुनना चाहो तो एक बार जोर से बोलो जी हां। शाबाश, तो भाई सुनो ये कहानी। बच्चों, एक बार की बात है कि एक रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए एक बड़े से बर्तन में नीला रंग घोलकर रख दिया और वो किसी काम में लग गया। तभी जंगल से घूमता घामता एक गीदड़ उसी गांव में आ गया। जब गांव के कुत्ते उसके पीछे बहुत जोर-जोर से भौंकने लगे तो वो गीदड़ भागते भागते रंगरेज के उस नीले रंग के बर्तन में गिर पड़ा। कुत्तों ने समझा कि वो गीदड़ कहीं भाग गया, तो वो कुत्ते भी भौंकना बंद कर कहीं चले गए। जब कुत्ते चले गए तो गीदड़ चुपचाप नीले रंग के बर्तन से बाहर निकला और सीधे जंगल की ओर भाग गया। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद जब उसने अपना शरीर देखा तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। अरे वो तो नीले रंग का हो गया था। दूसरे जानवरों ने जब इस नीले रंग के गीदड़ को देखा तो वो भी उसे नहीं पहचान सके और डर के दूर भागने लगे। गीदड़ ने सोचा, अब मजा आएगा, ये सब जानवर तो मेरे रंग रूप को देखकर बहुत हैरान हैं, अब मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसने जंगल के सभी जानवरों से कहा, ए जंगल के जानवरों, देखो मैं आसमान से आया हूं, मैं तुम लोगों का राजा हूं, शेर वेर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हाथी को बुलाओ, मैं उस पर सवारी करूंगा। और हां, सुना है तुम्हारे गांव में गीदड़ नाम के जानवर भी रहते हैं, उनसे कहना वो मेरे पास ना आए। गीदड़ की बात सुनकर सब जानवरों ने उसे जंगल का राजा मान लिया। अब क्या था, रंगे हुए गीदड़ ने अपना ठाठ जमा लिया,
वो हाथी की पीठ पर चढ़कर राजा बना, जंगल में घूमने लगा। उसने अपना मंत्री बना लिया। जब दरबार लगता तो सभी जानवर उसकी हां में हां मिलाते और उसकी आज्ञा मानते। अब घर बैठे-बैठे उस गीदड़ को शिकार भी मिलने लगा। गीदड़ अपने रंग को देखता तो मन ही मन बड़ा खुश होता। बच्चों, एक दिन की बात, गीदड़ राजा का दरबार लगा हुआ था। सभी जानवर गीदड़ की खुशामद में लगे थे। तभी गीदड़ की निगाह आसमान पर गई। उसने देखा बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है और पानी बरसने वाला है। सब जानवर खुश हुए कि मौसम ठंडा हो जाएगा। तभी गीदड़ ने कहा, चलो हम बरसात में नहाएंगे। उस दिन पानी खूब जोर से बरसा। सभी जानवर खुशी से बरसात में झूम झूम कर नहा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि गीदड़ का नीला रंग पानी पड़ने से छूटता जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसका सारा रंग छूट गया और उसका असली रंग सामने आ गया। जानवरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये तो गीदड़ है, ये तो गीदड़ है, ये जंगल का राजा नहीं है, ये तो गीदड़ है, रंग चढ़ाकर हमें अब तक धोखा दे रहा था, ये तो गीदड़ है। बच्चों, शेर को गीदड़ पर बहुत गुस्सा आया। उसने गीदड़ को एक ही झपट्टे में नीचे गिरा दिया और उसका काम तमाम कर दिया। भाई वाह बंजारन, कहानी तो तुमने बहुत ही मजेदार सुनाई। अरे बच्चों, ये यहां कौन आ रहा है? अरे ये तो डाकिया है, मुझे तो इससे मिलना है। अब मैं चलूं बच्चों। हां अच्छा बच्चों, जोर से बोलो नमस्ते। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।